जब जब हम प्रकृति के साथ और सृष्टि के साथ खेलते हैं ना, तो यकीन मानिए हर दाव हर पासा हमारा उल्टा ही पड़ जाता है। वैसे उल्टी तो पड़ रही है चाल प्रीशा की बार बार। जी हाँ, आहाना और कबीर की शादी तय हो चुकी है और प्रीशा पुरजोर कोशिश कर रही है कि ये शादी किसी तरह रुक जाए, लेकिन क्या करें, हर चाल जो है नाकाम होती जा रही है। वी आर जस्ट होपिंग कि भैया शादी वाले दिन से पहले कुछ ना कुछ तो काम कर जाए। तुझे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा, तुझे कभी माफ नहीं करूंगा मैं। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। झूठ मत बोल। भाई सुन भाई, बकवास मत कर। भाई भाई मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। क्या सुन रहे हो? बकवास मत कर। प्लीज रुक जाओ। प्लीज स्टॉप इट। फिर बस एक ही दिन बाकी है कबीर और आहाना की शादी को, लेकिन ये क्या, शादी से पहले ये कबीर को रंगे हाथ पकड़ लिया किसने? आहाना ने। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? तू बता, तू यहाँ क्या कर रहे है? शर्म, बेहया, शर्म नहीं आई ऐसी गंदी हरकत करते हुए? नीचे तेरा संगीत चल रहा है। कल शादी है तेरी आहाना के साथ और तू जहाँ इसके साथ। ये बंद कमरे में जब कबीर को किसी और लड़की के साथ देखा गया तो सबने अपना आपा खो दिया, खास करके रुद्र ने। तुझे कभी माफ नहीं करूंगा मैं। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया भाई। झूठ मत बोल। भाई बकवास मत कर। आहाना ने सवाल पर सवाल पूछा तो वहीं रुद्र को तो आप सब जानते हैं कैसे वो होश खो बैठता है। प्लीज रुक जाओ। प्लीज स्टॉप इट। ये सब कुछ हो रहा था लेकिन भाई एक कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना, इसका पूरा टोकरा एक किसके सर पे गिरा? अरे भाई वही जो जानती है कि माँ और बेटे दोनों नकली है, यानी कि प्रीशा। ये जो लड़की कबीर के साथ कमरे में पकड़ी गई है ना, इसने तो भाई बातों को ही पलट दिया, सारा इल्जाम प्रीशा के सर मढ़ दिया और कहा कि प्रीशा ने इसे पैसे दिए थे ऐसा करने के लिए। कबीर भैया इतने अच्छे और शरीफ इंसान, मैं उनके साथ कुछ गलत कर ही नहीं पाई। I'm really sorry प्रीशा मैम, ये पैसे जो मुझे आपने दिए थे ये मैं आपको वापस देती हूँ। ऐसा दो तीन बार हो चुका है जहाँ पे इज्जत जाते जाते बच जाती है, कैसे भी करके हम बचा लेते हैं खुद को। हाँ वो मैनिपुलेट करना तो ये कबीर के रगों में है, क्योंकि जब से ये आया है तब से लड़कियों के पीछे भागता है, फंसता है बचता है और कैसे अपने आप को एक विनर साबित करता है, यही है कबीर। अब ये सब तो हमारा रोज का काम है, हर दिन सीरियल में हम ऐसे कोई न कोई सीन देख ही लेते हैं, इसीलिए हम जान गए थे कि ले दे के इस सब कुछ प्रीशा पर ही आ जाएगा। अब वो क्या है ना, इस शादी तक तो आगे खिसकना ही है, जब शादी होगी ना तब शायद भांडा फोड़ हो सकता है, क्योंकि कभी न कभी प्रीशा को भी तो सफलता मिलेगी ना नकली माँ बेटे का भांडा फोड़ने के लिए। और हमें लगता है कि गोवा में ही ये नकली माँ बेटे का ट्रैक खत्म होगा। गोवा से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।